वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेटी कैश बुक। जैसे कैश बुक होती है जिसमें आप कैश की ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है ना, इसमें सारी मेजर कैश की ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। उसी तरह से एक पेटी कैश बुक भी कंपनीज के पास बनाई जाती है जिसमें कैश से रिलेटेड पेटी ट्रांजैक्शंस, पेटी का मतलब होता है छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस, वो लिखी जाती हैं। जैसे अगर आप किसी भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसके डेली में कैश के बहुत ट्रांजैक्शंस होंगी, बट उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस काफी बड़े अमाउंट की होंगी, बट कुछ बहुत कॉमन और छोटे छोटे अमाउंट्स की हैं। जैसे ही इज गिविंग टी टू हिज एम्प्लॉयज, और कोई कस्टमर आ गया है, उसने उसको कॉफी या चाय पूछ ली और सामने शॉप से मंगवा के दे दी, या आपके पास सामान आ गया और आपने उसको कार्टेज पे कर दिया, ठीक है, या आपको कुछ बैंक में पैसा जमा कराना है तो आपने अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा बैंक में पैसा जमा कराने के लिए, उसको कन्वेंस चार्ज दे दिया कि ठीक है तुम रिक्शा पे चले जाओ और ये पैसे ले लो, राइट। इसी तरह से स्टेशनरी, कई बार तो हम स्टेशनरी इकट्ठे खरीदते हैं तो वो तो मेजर आइटम हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी स्टेशनरी एज एंड वेन यू नीडेड खरीदते हो कि ठीक है अब पेन खत्म हो गया, रजिस्टर खत्म हो गया तो थोड़ा सा ले आओ, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, पोस्टेज का खर्चा हो गया, कन्वेंस हो गया, है ना, तो ये छोटे छोटे खर्चों को अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं पेटी कैश बुक में। इससे क्या है कि जो हमारी मेन कैश बुक होती है उस पर इसका बर्डन नहीं पड़ता और हमारा कैशियर भी छोटी छोटी चीजों से फ्री रहता है। इसके अलावा क्या है, ये छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये काफी सारी हो सकती हैं, तो आप अपने अलग कैश बुक बना के उसमें अलग से इसको रिकॉर्ड करते हो। सिमिलरली पेटी कैश बुक के लिए कैशियर भी अलग होता है जिसको हम बुलाते हैं पेटी कैशियर। सो व्हाट हैपेंस कि हर मंथ के बिगनिंग में जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है ये छोटे छोटे खर्चे करने के लिए, ठीक है ना। तो ही में से कि ठीक है तुम 1000 रुपीज रख लो, क्योंकि पूरे दिन में कई तरह के खर्चे होंगे, पोस्टेज पर आप खर्चा करोगे, कार्टेज का हो जाएगा, स्टेशनरी में कुछ चीजें मंगवानी पड़ सकती हैं, ठीक है ना, रिपेयर्स छोटी मोटी जो है, मान लो चेयर टूट गई है या थोड़ा सा कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई, आपने किसी को पास से बुलाया रिपेयर करा दिया, तो ये छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस है। तो एक छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 रुपए के खर्चे के लिए आप बार बार मेन कैशियर के पास नहीं जाओगे, ठीक है ना, उसके पास और भी काम होंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे खर्चों के लिए पेटी कैशियर को रखा जाता है और सबसे पहले उसको मेन कैशियर कुछ पैसा दे देता है, उसको कैश दे देते हैं कि यू कीप 1000 विद यू, यू कीप 5000 विद यू। वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितना बड़ा बिजनेस है, किस तरह के खर्चे हैं। अब ये पोस्टेज हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयर हो गया, कन्वेयंस हो गया, ठीक है, वेजेस पे कर दिए किसी को थोड़े काम के लिए, इसके अलावा आपने टेलीफोन बिल पे करना है उसके लिए आप उसको भेज देते हो किसी पर्सन को, तो टेलीफोन बिल का छोटा सा खर्चा है। तो इनसे रिलेटेड इनपुट CGST, SGST और IGST, ये भी खर्चे हो जाएंगे। सो ये जो छोटी छोटी पेमेंट्स हैं इससे हम अपने मेन कैशियर को फ्री रखते हैं और इसको हम पेटी कैशियर को दे देते हैं। शुरू में कुछ पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो उस पैसे में से थोड़ा 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 खर्चता रहता है और एंड में जितना पैसा बच जाता है उसको अगले मंथ के लिए यूज कर लिया जाता है। सो पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि इसमें छोटे छोटे खर्चों को लिखा जाना है। अब इनको बनाने का तरीका दो तरीका है, एक है सिंपल पेटी कैश बुक और एक है एनालिटिकल कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या है, हम एक सिंपल जैसे एक कैश बुक बनाते हैं ना, उसी तरह से हम यहां पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे। सो हमारा स्टेटमेंट में एक तरफ है हमारे पास जो रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड, दूसरी तरफ है जो हमने अमाउंट पे किया। बस फर्क इतना है कि यहां पर हम पर्टिकुलर्स के लिए दो कॉलम नहीं बना रहे हैं, एक ही कॉलम बना रहे हैं। रीजन ये है कि जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसमें डेबिट में भी बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, क्रेडिट में भी बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, तो आप दोनों को अलग अलग लिखते हो। बट पेटी कैश बुक में क्या है, एक ही बार पैसा आना है शुरू में आपके पास, ठीक है, बाकी तो सारे आपने खर्चे करने हैं और फिर एंड में बैलेंस बचेगा। सो आप पर्टिकुलर्स का कॉलम पे स्पेस वेस्ट नहीं करते हो, आप पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बना लेते हो, वो टू और बाय से समझ में आ जाता है कि आपके पास ये डेबिट की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है।
सो बाकी अमाउंट आ गया, पर्टिकुलर छोड़ दिया, लेजर फॉलियो, कैशबुक फॉलियो, क्योंकि ये पैसा तो कैशबुक से आएगा ना, वो भी बनाना पड़ेगा। पेमेंट में क्या है, छोटे छोटे वाउचर होंगे, जैसे आपने अगर वेजेस पे की तो एक वाउचर लिख लिया, उस पे साइन करवा लिए जिसको वेजेस दिए, है ना। सो वाउचर नंबर हो गया और पेमेंट आ गई। तो यहाँ पे वाउचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री यहीं पे रिकॉर्ड करेगा पेटी कैशियर। अब सबसे पहले उसको पैसा मिलेगा, तो पैसा होता है रिसीव, उसे आप लिखेंगे रिसीव कॉलम में, लेकिन यहां हमने डिटेल का कॉलम नहीं बना रखा, ये डिटेल यहीं आएगी टू कैश अकाउंट। उसके बाद सारे खर्चे शुरू हो जाएंगे, बाय जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक एक करके सारे एक्सपेंसेस को पे करो। एंड में आके आप देखोगे, अच्छा भाई इतनी पेमेंट हो गई, ये टोटल पैसा था, तो कितना पैसा बच गया। अब ये बाय बैलेंस कैरी डाउन है, नेक्स्ट टाइम उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है, नॉर्मल अकाउंट में डेबिट साइड में होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पर्टिकुलर एक ही है, हम वहीं पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस को अब यहां ले जाएंगे, क्योंकि अमाउंट के तो दो कॉलम बने हुए हैं ना। फिर दोबारा से पर्सन को कैश मिलेगी, वो कैश लिखेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से पेमेंट सारी यहां पर शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ये पेटी कैश बुक बनाते हैं, एक सिंपल कैश अकाउंट की तरह से ये बनती है, विद वन डिफरेंस ओनली। अब आ जाते हैं एनालिटिकल कैश बुक। एनालिटिकल कैश बुक का मतलब होता है कि उस तरह की पेटी कैश बुक होनी चाहिए जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करे। एनालिटिकल का जो वर्ड है ये एनालिसिस से आया है, सो ऐसी कैश बुक जो हमें एनालाइज करने में हेल्प करे। तो एनालाइज क्या करना है, जो लिखा है, और लिख क्या रहे हो, मेजर तो एक्सपेंसेस लिख रहे हो। तो इस कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा ही फॉर्मेट है, बट अब हमने एक और चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पेज का साइज तो एक ही रहता है ना, लिमिटेड सा साइज होता है। सो क्या कर दिया, हमने सारे वाउचर नंबर एक ही जगह डाल दिए। सो रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, तो आपने ये साइड एज इट इज ले ली, डेट, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, ठीक है, पेमेंट और रिसिप्ट का एक ही कॉलम बना रखा है कि ये रिसिप्ट है। जब भी रिसिप्ट होगी, जैसे पैसा आपको मिलेगा मेन कैशियर से, तो वो पैसा आप रिसिप्ट साइड में लिख दोगे, फिर सारी पेमेंट्स यहां करोगे और बैलेंस कर दोगे। तो एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, इसमें राइट साइड में काफी मेजर स्पेस होती है, लेफ्ट में सिर्फ एक छोटा सा कॉलम है रिसिप्ट का, राइट साइड में आपके पास मेजर स्पेस है। इसमें आप सारे एक्सपेंसेस के लिए, जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सब के लिए आप कॉलम बना देते हो। जैसे आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे, आप चेक करोगे कि हाँ पोस्टेज इसमें है, इस क्वेश्चन में स्टेशनरी है, इस क्वेश्चन में कार्टेज है, रिपेयर्स है, ठीक है, इसमें आईजीएसटी है सपोज इनपुट का, तो जितने एक्सपेंसेस है सबके कॉलम बना देंगे। एंड में क्या होगा, जब मान लो आपने पोस्टेज पे की, तो यहां पेमेंट के साथ लिख दोगे इस कॉलम में, स्टेशनरी परचेज की यहां लिख दोगे, कार्टेज परचेज की यहां लिख दोगे, फिर स्टेशनरी खरीदी यहां लिख दोगे। तो एंड में जब हम टोटल करेंगे बैलेंस निकालने के लिए, तो उस टोटल को हम यहां पर भी लिख देंगे कि भाई इतना टोटल हो गया हर चीज का, ये टोटल है, और यहां पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा, तो डिफरेंस करके बैलेंस आएगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि लास्ट मंथ में या लास्ट टू मंथ्स में टोटल पोस्टेज पे इतना खर्चा हुआ, स्टेशनरी पे इतना खर्चा हुआ, कार्टेज पे इतना खर्चा हुआ। मान लो आप टी कॉफी पिलाते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो उस पर इतने स्पेंडिंग हो गए, ठीक है ना। आप अगर टेलीफोन बिल्स पे कर रहे हो, उसके एक्सपेंसिस मिल रहे हैं, रिपेयर्स वगैरह पे कितना खर्चा हुआ, तो सारे खर्चे आपको दिख रहे हैं कि रिपेयर में इतना है, कार्टेज में इतना है, स्टेशनरी में इतना है। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब टोटल में कहना बहुत आसान है, जी आपने 5000 दिया था, पेटी कैशियर बताता है 5000 खर्च हो गया, अब मेरे पास 100 रुपीज बचते हैं, सारा एक्सपेंस वो दिखा रहे। लेकिन अब आप इतने सारे एक्सपेंसेस में कैसे सर्च करोगे कि किस चीज पे कितना खर्चा हुआ है, और अगर हमें अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, क्योंकि बिजनेस में कॉस्ट कटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो आप कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल करते हो। तो आपको अगर दिख रहा है कि हाँ मेरा स्टेशनरी पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर आप व्यू भी कर सकते हो कि वाकई में इतना खर्चा हुआ था, रिपेयर्स पे इतना खर्चा हुआ है। अगर मान लो आपके रिपेयर्स पे बहुत खर्चा हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इतने रिपेयर कराने की क्या जरूरत है, इस चीज को हटा देता हूं, नई टेबल नई चेयर खरीद लेता हूं, एक ही बार में बात खत्म, रिपेयर्स का सारा खर्चा कंट्रोल हो गया, और जो चीज आपने खरीदी है वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगी। सिमिलरली अगर आप टी कॉफी या एंटरटेनमेंट पे बहुत खर्चा कर रहे हो, तो आप ये सोच सकते हो कि क्यों ना एम्प्लॉयज के लिए एक टी क्लब बना दिया जाए, इसमें एक ही बार में सारा सामान आ जाएगा, थोड़ा चेक भी रहेगा,
और कोई आपका कस्टमर आता है तो उसको भी, जो आपका वहां पे वर्कर काम कर रहा है उसको भी टी कॉफी वहीं से मिल जाएगी, ठीक है ना। सो ये सारे जो एनालिसिस हो रहा है उससे आपको ये कॉस्ट कंट्रोल समझ में आता है, इसलिए इसे बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश फ्लो। सो ये दो फॉर्मेट्स हैं, सेम क्वेश्चन हम करेंगे, एक बार हम सिंपल से करेंगे, एक बार हम पेटी कैश बुक से करेंगे। कॉलम ध्यान से नोट करने हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि क्योंकि हमें पेमेंट्स को एनालाइज करना है सबको, तो इसलिए पर्टिकुलर का कॉलम जो पहले डेट के साथ होता था अब वो उठा के पेमेंट के साथ ले आई हूं। सो पर्टिकुलर का कॉलम यहां अब आपका पेमेंट के साथ आ गया, ठीक है ना। और जो वाउचर नंबर है, जो लेजर फॉलियो है, वो सारा इधर चला गया। सो थोड़ा सा मूवमेंट किया है। सेकेंडली आपने यहां से ये कॉलम हटा दिए क्योंकि ये तो रेपिटेशन है, लेजर फॉलियो तो यहां भी बन रहा है तो इसको यहां क्यों लिखे। तो ये थोड़ा स्पेस लेफ्ट साइड में सिर्फ रिसिप्ट रख दिया अमाउंट का, बाकी दोनों कॉलम उड़ा दिए, उसकी जरूरत नहीं थी, वो यहीं आ जाएंगे। लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो में ही लिख लेंगे। और पर्टिकुलर्स को जो अमाउंट्स है उनको पेमेंट के साथ ले लिया, तो इस तरह से ये इसके फॉर्मेट बन गया। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हो गया, नंबर वन, कि आपके सिंपल पेटी कैश बुक में सेपरेट रिकॉर्ड्स है। सो सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस नॉट मेंटेन्ड इन सिंपल कैश बुक, बट एनालिटिकल में क्या है, सेपरेट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। इसी से सारे डिफरेंसेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप डिफरेंट हेड्स में एक्सपेंसेस को टोटल कर सकते हो। तो सिंपल पेटी कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस के नॉट बी डिटरमिंड। आप नहीं बता सकते कितने होंगे क्योंकि आपने लिखे नहीं है, बट यहां पे क्या है, टोटल एक्सपेंसेस कैन बी डिटरमिन। नेक्स्ट, अब एक्सपेंस डिटरमिन करने का फायदा तो तब होता है ना जब उसको कंट्रोल कर सके। सो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंसेस, सो सिंपल पेटी कैश बुक में इट इज नॉट पॉसिबल। ये चीजें यहां नहीं होंगी, हर जगह ये चीज नहीं है, ठीक है। यू कैनॉट कंट्रोल कॉस्ट, बट यहां एनालिटिकल पेटी कैश बुक में यू कैन कंट्रोल पेटी एक्सपेंसेस। फाइनली फॉर्मेट, तो सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैश बुक के जैसा ही होता है, बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या है, इट हैज मोर स्पेस ऑन द राइट साइड। ओके, तो राइट साइड में ज्यादा स्पेस है फॉर वेरियस एक्सपेंसेस। सो ये इसमें डिफरेंस हो गया। सो आई होप पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सो पेटी कैश बुक जब बनती है उसके एंड में उसकी लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री की जाती है, क्योंकि यहां पे विद इन अ बुक एंट्री नहीं हो रही है। जैसे कैश और बैंक होता है आपस में एडजस्ट हो जाता है, कंट्रास्टिंग है, एक ही बुक में आ गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पेटी कैशियर है ये कैशियर से पैसा ले रहा है फिर वो खर्चे कर रहा है, तो ये दो अलग चीजें हैं। तो इसकी एंट्री भी होती है और इसकी लेजर पोस्टिंग भी की जाती है। नाउ एक चीज हो रहा है यहां पर, जो हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है, ये हमने बना ली, ठीक है, लेकिन इसको सिस्टम को बनाने के क्या तरीके हैं। सिस्टम के दो तरीके हैं, नंबर वन है सिंपल, अनदर है इम्प्रेस्ड सिस्टम। बट ये सिंपल और इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक तो ये है, लेकिन कैश को कैसे मैनेज कर रहे हो, कब कब आप अपने पेटी कैशियर को पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, वो कैश को जो मैनेज कर रहे हैं उसका सिस्टम अलग है। सो वो होता है सिंपल या इम्प्रेस्ड सिस्टम, वो दोनों में एप्लीकेबल है क्योंकि उसका लिखने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिंपल लेना देना इस बात से है कि कैशियर और पेटी कैशियर आपस में कैसे डील करते हैं, कब कब कैश दी जाती है, कब कब डिटेल्स ली जाती है, ठीक है, और कैसे कितनी कैश देनी है, ये कैश देने का सिस्टम है। सो वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम ये क्वेश्चन इसका कर लेंगे। सो आई होप पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट और इसके दोनों फॉर्मेट आपको समझ आ रहे हैं। ऑलराइट, सो वील टेक अप क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। सो मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।